हमारे साथ बोकारो के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर राजेश पाठक है। ये बीते 19 वर्षों से आयुर्वेद की क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं बासी रोटी खाने के फायदे से जुड़ी कुछ खास जानकारी। देखिए, आज से लोग क्या करते हैं, बासी रोटी को लोग ड्रग समझ के उसको लोग फेंक देते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बासी भी भोजन करना है। भले लोग पूरी पराठा बना के खा लेंगे, लेकिन बासी भोजन नहीं करना चाहते हैं। हमारे ग्रंथ में भी इसका विवरण है। बासी रोटी खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि इसमें आपका काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन B1, B3, B5, B6, B9 और विटामिन ई इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए ये हेल्थ को देखते हुए इसका लेना बहुत ही लाभप्रद है। ये आपका एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। किसी को गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है तो उसको भी अगर सुबह सुबह बासी रोटी दे दिया जाए तो वो गैस में बहुत अच्छा रिजल्ट है। बासी का मतलब होता है कि रात का बना हुआ सुबह में आप ले सकते हैं, वो अमृत है, लेकिन सुबह का बना हुआ रात में नहीं लेना होता है। इसलिए बासी का मतलब होता है रात का खाया हुआ, मतलब रात का बना हुआ रोटी सुबह में आप यूज़ कीजिए तो बहुत ही लाभप्रद है। इससे आपको भूख की कमी को भी वो दूर होता है, इसलिए इसको जरूर लेना चाहिए। जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है उन्हें भी लेना चाहिए, क्योंकि आप जो भी खाना खाते हैं इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में है, इसलिए इसका सेवन जरूर करना चाहिए। ये आपको वेट लॉस करने में मदद करता है, लो कैलोरी वैल्यू है, इसलिए ये जरूर लेना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे भरपूर ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है और मसल्स स्ट्रांग होता है। अगर सुबह खाली पेट में 2 से 3 रोटी और दूध के साथ फेर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। यह शरीर का टेम्परेचर को बैलेंस रखता है, इसलिए बहुत ही मतलब ये अच्छी चीज़ है, लोगों को लेना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़, आज की डेट में डायबिटीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो डायबिटीज पेशेंट के लिए तो ये रामबन की तरह काम करता है। इसलिए सुबह सुबह खाली पेट में अगर पानी के साथ या दूध के साथ लिया जाए तो डायबिटीज़ में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसलिए सुबह में रोटी दूध जरूर लीजिए, उसमें शक्कर नहीं डालिएगा, बहुत अच्छा ना लगे तो आप थोड़ा सा गुड़ का मात्रा डाल सकते हैं।